लियोनेल मेसी पिछले दो दशक से जो सपना देख रहे हैं उसे अब उन्होंने करियर के आखिरी पड़ाव में जाकर पूरा किया। 11 साल की उम्र में ग्रोथ हार्मोन की कमी यानी GHD जैसी बीमारी से जूझने से लेकर दुनिया के महानतम फुटबॉलरों में शामिल होने तक मेसी का सफर जुनून और जुझारूपन से जीता हुआ दिखता रहा। उन्होंने कतर के लुसेल स्टेडियम में अपनी टीम अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में जीत दिलाई। साल की उम्र में लियोनेल मेसी को एक बीमारी का पता चला जिसका नाम ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी था। इस बीमारी का असर अगर मेसी पर होता तो शायद दुनिया एक शानदार फुटबॉलर से मिल नहीं पाती। इस बीमारी में किसी भी शख्स की प्रगति रुक जाती है। 11 साल की उम्र में अगर मेसी इसकी चपेट में आ जाते तो वो बौने रह जाते। तब परिवार के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो इसका खर्चा उठा सकते और इसका इलाज करवा पाते। इस बीच लियोनेल मेसी की बतौर फुटबॉलर ग्रोथ जारी थी। रिवर प्लेट ने मेसी को अपने साथ रखने की बात कही लेकिन वो मेसी की दवाइयों का खर्च नहीं उठा सकता था। इस बीच मेसी की किस्मत बदली। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना उस वक्त छोटे बच्चों पर नजर रख रहा था जो फुटबॉल में कमाल कर रहे थे। टैलेंट हंट के तहत छोटे शहरों, स्कूल, कॉलेज और अलग अलग क्लब में ऐसा किया जाता था। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के सपोर्टिंग डायरेक्टर कार्लस रिजेक को लियोनेल मेसी के बारे में पता लगा। क्लब ने उन्हें साइन भी किया, साथ ही बीमारी की दवाइयों और इलाज का पूरा खर्चा देने की बात कही। बस शर्त इतनी थी कि मेसी को अर्जेंटीना छोड़ बार्सिलोना शिफ्ट होना था। परिवार इस पर राजी हो गया और इस तरह लियोनेल मेसी के प्रोफेशनल फुटबॉल करियर की शुरुआत हुई। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने रविवार को लुसेल स्टेडियम कतर में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में दो गोल दागकर इतिहास रच दिया। फ्रांस के खिलाफ फाइनल में किए गए एक गोल के साथ मेसी के नाम वर्ल्ड कप में 12 गोल हासिल करने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। जबकि 108वें मिनट में दूसरा गोल दाग मेसी ने वर्ल्ड कप में अपने नाम 13 गोल दर्ज किए। लियोनेल मेसी ने अपना और अपने मुल्क का सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिखाया है। अर्जेंटीना खुशी में झूम रहा है। भारत में भी लियोनेल मेसी के करोड़ों फैंस झूम रहे हैं। लियोनेल मेसी अब वर्ल्ड चैंपियन हैं।